नमस्कार किसान भाइयों, आज 11 सितंबर के इस वीडियो में मैं सबको स्वागत करता हूं। और आज जो माल कुरियर हो रहे हैं उसका एक छोटा सा क्लिप, आज इतना सा माल कुरियर हमारा हो रहा है, कुरियर सर्विस से माल जाएगा जो ऑर्डर किया हुआ है उनके घर में। आज माल बुक हो रहा है, जो माल आज कुरियर होगा वो 9 तारीख में जितना माल बुक किया था वो सब आज कुरियर होगा। हमारा बंगाल पे आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर भी ये माल हमारा कुरियर हो रहा है, जा रहा है। लॉकडाउन के अंदर भी माल कुरियर हो जाता है। ये नींबू का है सर भाई, इतने दिन से हम नींबू का पौधा दे रहे हैं, सारे पौधे में फल या फिर फूल वाला था। ये पौधा जा रहे हैं आज। ये बेर का पौधा है, बॉल सुंदर बेर का। बहुत ही सेफ पौधा पहुंचाया जा रहा है जिन्होंने बुक किया है उन सबके घर। ये सीडलेस ब्लैक जामुन का है पौधा, इसमें 2 साल में फल आता है पौधे में। सीडलेस ब्लैक जामुन सीड होता है लेकिन छोटा होता है अंदर में, इसलिए इसको सीडलेस बोला जाता है। 2 साल में इसमें फल आता है और फल थोड़ा मोटा होता है, खाने में भी बहुत अच्छा है फल। ये रेड ऑल टाइम मैंगो है, इसमें 2 साल में फल आता है। 1 साल में आ जाता है लेकिन आएगा तो थोड़ा देना पड़ेगा, दूसरे साल में फल आएगा तो वो फल अब ले पाएंगे 1-2 फल का। ये भी रेड ऑल टाइम मैंगो है। ड्रिफ्टिंग पौधा है, पौधा जितना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये बड़ा पेड़ तो नहीं बन जाता है लेकिन फिर भी 10 से 12 फीट 15 फीट तक हाइट होगा, 15 फीट हाइट लगभग इसका अच्छा उम्र होगा, उसके बाद ही होगा, नहीं तो 10 फीट के अंदर ही रहता है। ये एक है रेड ऑल टाइम मैंगो। ये व्हाइट जामुन का है, ये पूरा फल इसका व्हाइट कलर होता है। इसका भी सीड बहुत ही छोटा होता है इसीलिए इसको सीडलेस भी बोला जाता है, और इसका फल भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। 2 साल में इसका फल आता है पौधे का। ये फल देखने में खूब बहुत ही बढ़िया होता है, सुंदर। आज हमारा माल जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, संजीव सरदार हमारा भाई, इन्होंने माल बुक किया है। हालांकि वेस्ट बंगाल में बहुत नर्सरिया है जो कुरियर सर्विस से पौधा भिजवाता है। ये 24 फरगना से बुक किया है हमसे पौधा, इसका घर 24 फरगना में है। अरुण कुमार सिंह आपका भी पौधा जा रहा है, राजेश कुमार जी आपका भी जा रहा है। 9 तारीख में जितना बुक था सारा माल आज कुरियर हो रहा है। इस तरह से पौधे आपके पास जाएगा, आप पौधा बुक कीजिए। पौधे का अगर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो लेट मत कीजिए, पौधा लगा लीजिए, प्लांटेशन कर लीजिए आपके टेरेस्ट गार्डन में या फिर आपका छोटा जो गार्डन है उसमें लगाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर कोई भी किसान ट्रायल के लिए सोच रहे हैं कि हम 10 पौधा लगा के पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा
इसका रिजल्ट होगा हमारे क्लाइमेट में, मतलब आपके क्लाइमेट में, आपके ज़मीन पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा सोचता है बहुत किसान भाई। तो 2-5-10 पौधे के लिए उसका ज़रूरत होगा, तो अगर लेना चाह रहे हैं तो आप भी बुक कर सकते हैं। हमारा बुकिंग नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ये 2 नंबर पे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप में हम आपको लिस्ट भेज देंगे हमारे प्लांट का, आप बोलिए लिस्ट देने के लिए, आपको लिस्ट दे देंगे। वहाँ से आप जो प्लांट आपको चाहिए उसका नाम, उसका रेट सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप सिलेक्ट करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें भाई ये पौधा चाहिए, तो हम आपको वो पौधे का कितना कुरियर चार्ज होगा और पौधे का कितना बिल, टोटल बिल बना के हम आपको दे देंगे। और आपको नाम, आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सएप कर देना पड़ेगा, और बिल जो बनेगा उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा, हम आपके तक पौधा भिजवा देंगे। एक हफ्ते के अंदर कहीं पे भी हो पौधा पहुंच जाता है। पौधा, पौधे का जो पैकिंग है, पौधा आपके पास पहुंचने तक ज़िम्मेदारी पूरा हमारा है। जितने दिनों तक पौधा नहीं पहुंच रहा है आपके पास, पूरा ज़िम्मेदारी हमारा है। अगर रास्ते में कहीं खो गया तो उसके लिए भी हम दोबारा माल आपको भेजेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, अगर खो जाएगा कुरियर चार्ज वाले को हमें उसका डैमेज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। पौधा जाने के बाद अगर डैमेज हुआ तो उसका भी हमारे पास पौधे का पूरा गारंटी है, उसका रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। उसके लिए पौधा हम आपको दोबारा भेज देंगे, उसके लिए सिर्फ आपको कुरियर चार्ज जो होगा बाद में वो पे करना पड़ेगा। पौधा फ्री में जाएगा लेकिन कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पौधा बुक कीजिए, पौधा आपके पास पहुंच जाएगा।